हुआ था। 40,000 रुपये आप इसमें डाले थे और आपको 1 से 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, मछली पालन का व्यवसाय एक लाभकारी व्यापारिक विकल्प है जो कि कई क्षेत्रों में आधुनिक कृषि व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निवेश के उदाहरण से अधिक आय उत्पन्न की जा सकती है। मछली पालन के व्यवसाय में मुनाफा प्राप्त करने के कई कारण हैं, जिसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलिए हम चलते हैं देवरिया उत्तर प्रदेश में कृषि पिटारा के संवाददाता विशाल चौबे के पास। आज हम देवरिया जनपद के बरहत तहसील क्षेत्र में आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किसान अपने खेत में कैसे पोखरा बना के और मछली पालन कर रहे हैं और लाखों का अर्न कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार ये मछली पालन चला रहे हैं। ये जो पोखरा आप बनाए हैं, कितने लागत में ये पोखरे बन के तैयार हुए थे? 3-3 पोखरे आपके? ये मेरा है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में? हाँ, ये 1 से 1.5 लाख रुपया लगा है मेरा खुदवाने में। उसके बाद 25-30 हजार का बच्चा डाले थे पहली बार। अच्छा, 25,000 का पहली बार बच्चा डाले थे, मतलब मछली का? हाँ। कौन सी मछली पड़ी थी इसमें? इसमें डाले थे ग्रास, वो चाइना था, सिल्वर था, यही सब मछली है। तो 25,000 का मछली आप ये तीनों पोखरे में डाले थे एक ही साथ? हाँ। अच्छा, कितने दिनों में ये बच्चे तैयार हो गए थे? 7 से 8 महीने में। 7 से 8 महीने में तैयार हो गए थे। और कितने लागत में, मतलब ये बेचे थे आप? 1 से 1.25 लाख रुपया तैयार हुआ था मेरा 7-8 महीने में। 1.25 लाख रुपये, यानी 25,000 रुपये का आप मछली डाले? हाँ, उसमें हम बहुत ज्यादा दाना पानी तो डाले नहीं थे, हल्का फुल्का डाले थे, तो सब लागत मेरा 40,000 रुपये तक लगा था। तो 1 से 1.25 लाख तैयार हुआ। 40,000 रुपये आप इसमें डाले थे और आपको 1 से 1.25 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 40,000 वो छोड़ के या उसी में एडजस्ट वो भी हो रहा है? छोड़ के। अच्छा, वो छोड़ के। यदि कोई किसान करना चाहे तो किस प्रकार से ये कर सकता है? बस अपने मेहनत का फल है। खेती से, गेहूं धान से तो बेहतर है ये। तो 1 साल में 25,000 रुपया मछली का हो गया और बाकी दाने का हो गया। यदि कोई किसान 1 एकड़ के खेत में ये पोखरे बना के और मछलियां डालता है तो साल का 1 से 1.5 लाख रुपया अर्न करेगा। हाँ, खूब आराम से। इसमें और भी क्या है, खूबियां क्या है? अगर आप चाहें कि कम समय में, अगर रेगुलर दाना पानी डाले, आदमी मन से खेती करे, इसमें अगर 1 लाख रुपये लागत लगा दे तो 3-4 लाख रुपये का माल तैयार हो जाएगा। मतलब 1 ही एकड़ में 3 लाख रुपये का माल तैयार हो जाएगा, है ना? वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। दाने के ऊपर। आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी मछलियां हैं जो ज्यादा बिकती हैं और कम से कम लागत लगता है? कम से कम लागत में तो यही सब है, चाइना है, सिल्वर है, और ग्रास हो गया, जैसे वो हरा घास ओस यही सब खाती हैं सब। तो इन मछलियों को यदि डाला जाए 1.5 एकड़ में तो 3 से 4 लाख रुपए बड़े आराम से किसान कमा लेंगे गांव रह के। हाँ। बाकी किस प्रकार की परेशानियां होती हैं इसमें? परेशानी बस वही है, पानी होनी का है, बिजली पानी अगर सही मिले। हाँ। कोई दिक्कत। पानी का व्यवस्था कैसे आप करते हैं इसमें? मोटर लगाए हैं 2 हॉर्स पावर का। 2 हॉर्स पावर का मोटर लगाए हैं, प्रतिदिन वो चलता रहता है? हाँ, पानी जब कम पड़ता है तो चलाते हैं। गर्मियों में कैसे आप मछलियों को पालते हैं? मान लीजिए काफी धूप होता होगा ऐसे? हाँ, तो पानी का हम फुहारा देते हैं। अच्छा, पानी का फुहारा? हाँ। देते हैं अंदर, मतलब चारों तरफ? हाँ, ये मोटर वगैरह लगा चुके हैं ऑक्सीजन के लिए, हम फुहारा चारों तरफ से गिराते हैं पानी। अच्छा अच्छा, आप कैमरे के नज़र से देख सकते हैं ये पोखरा बनाया गया है जो कि 3 पार्ट में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और तीनों पोखरों में किसान के तरफ से मछलियां छोड़ी जाती हैं, लगभग 25,000 रुपये की लागत से मछलियों को छोड़ी जाती हैं और लगभग 7 से 8 महीने में इनको 1 से 1.5 लाख रुपये का इसमें प्रॉफिट होता है। तो किसान मित्रों, जैसा कि आपने देखा, आज के समय में मछली की मांग बढ़ रही है जो कि इसके उत्पादकों के लिए व्यापारिक मौके का संकेत है। इससे मछली पालक काफी अच्छा मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।